आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जी हां दोस्तों, अब जो है राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 26 मार्च को यहां पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले काफी कुछ बदल चुके हैं। आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 17 राज्यों की 55 सीटों का क्या कहता है समीकरण आपको दिखाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सदस्य के लिए यहाँ पर टिकट दे दिया है बीजेपी की तरफ से, बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई राज्यों में भी यहाँ पर बगावती सुर नजर आ रहे हैं। इसके बाद क्या समीकरण बनता है, 17 राज्यों की 55 सीटों पर क्या कहता है समीकरण, 26 मार्च को इस पर चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर यहाँ पर राजस्थान से भी निकल कर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ पर तर्ज पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट भी खेल बिगाड़ सकते हैं राजस्थान के लिए, तो इस पर खबर यहाँ पर निकल कर आ रही सूत्रों के हवाले से। तो सचिन पायलट भी बड़े यहाँ पर रोल में आ सकते हैं, ऐसी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं, महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा गुजरात से भी कई यहाँ पर बगावती सुन नजर आ रही, कांग्रेस के कई विधायक जो है बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। इससे राज्यसभा के लिए आंकड़े यहाँ पर पलटते नजर आ रहे हैं। 55 सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं उस पर यहाँ पर विधायकों के आधार पर ही यहाँ पर राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो इन 17 राज्यों की सीटों पर क्या आंकड़े बन सकते हैं, फिलहाल अगर बात करें तो 69 सदस्य नवंबर तक रिटायर होंगे, लेकिन मार्च यानी 26 मार्च को जो चुनाव होंगे वो केवल 55 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और इसके समीकरण क्या कहते हैं, किन किन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको देंगे। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो 7, उड़ीसा की 4, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की यहाँ पर 5 और आंध्र प्रदेश की 4, तेलंगाना की 2, असम की 3, बिहार की 5, ये कुछ बड़े यहाँ पर राज्य हैं। और इन राज्यों से राज्यसभा की स्थिति में यहाँ पर सुधार होगा बीजेपी के लिए। छत्तीसगढ़ की 2, गुजरात की 4, गुजरात से भी बड़ी खबर यहाँ पर है, हरियाणा की 2, हिमाचल की 1, झारखंड की 2, मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है, पहले यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी दबदबा बढ़ा रही है, ऐसी खबर है। मणिपुर की 1, राजस्थान की 3, मेघालय की 1 और यहाँ पर चुनाव होने वाला है इन सीटों पर। 17 राज्यों की 55 सीटों पर जो है 13 मार्च तक नामांकन किए जाएंगे। इसके अलावा 16 मार्च तक यहां पर पत्रों की जांच की जाएगी। 18 मार्च को नाम वापसी लेने की अंतिम तारीख रहेगी। इसके अलावा अगर बात की तो मध्य प्रदेश का आप क्या कहता है समीकरण, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उठक पटक यहां पर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से सियासी समीकरण बिगड़ चुके हैं और मध्य प्रदेश सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें आती हैं, और अगर बात करें तो 2 सीटें पहले से खाली है, लेकिन 22 से यहाँ पर कांग्रेस विधायक ने यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है वो यहाँ पर बदल चुकी है। और अब यहाँ पर कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सदस्य के लिए टिकट भी यहाँ दे दिया गया है। इसके बाद क्या कहता है समीकरण, अब कहता है समीकरण कि मध्य प्रदेश में जो है 2 सीटें बीजेपी को और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो तेलंगाना के लिए क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना के लिए 119 यहां से विधानसभा सीटें आती हैं, और यहां पर अगर बात करें तो 2 सीटें यहां से खाली हो रही हैं। उन 2 सीटों में अगर बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो यहां पर टीआरएस 104 है, तो यहां पर एआईएमएम की 7 यहां पर, और यहां पर अगर बात करें तो ओपीसन को यहां पर 6 है, तो बीजेपी सिर्फ 1 सीट यहां पर है। तो टीआरएस जो है सबसे बड़ी पार्टी है, और यहां के अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो 39 यहां पर सदस्य जो विधायक हैं वो यहां पर 1 सदस्य चुन लेंगे, यानी यहां पर टीआरएस दोनों सीटें यहां पर हासिल करती नजर आ रही है। अब आपको दिखाते हैं असम के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं। असम की अगर बात करें तो 126 यहां पर सीटें हैं, और यहां के अगर आंकड़े आपको दिखाएं असम के लिए तो असम की 3 सीटें यहां से खाली हुई राज्यसभा के लिए, और 3 सीटों के लिए जो 31 विधायक जिसको सपोर्ट करेंगे उसका 1 राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा। और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 62 सीटें यहां से हासिल हुई है, तो बीजेपी जो है यहां से 2 सीटें और 1 सीट जो है यहां पर अन्य के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। राज्यसभा चुनाव झारखंड के अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो झारखंड के जो आंकड़े हैं वो 2 सीट यहां से खाली हो रहे हैं, और झारखंड के लिए जो आंकड़े हैं कि यहां पर 27 विधायक 1 यहां पर राज्यसभा सदस्य को चुन लेंगे, इसके आधार पर 1 सीट यहां पर जेएमएम को, तो 1 सीट भाजपा के खाते में झारखंड के लिए जा सकती है। इसके छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखा तो छत्तीसगढ़ की दोनों सीटें जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल सकता है गुजरात से। जी हां दोस्तों, गुजरात की 4 सीटें यहां से खाली हो रहे हैं। यहां के अगर आंकड़े दिखाएं तो 36 यहां पर विधायक 1 राज्यसभा सदस्य को चुन लेंगे। 182 सीटें कुल यहां से आती हैं, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, 103 है, तो बीजेपी अपने दम पर 2 सीटें तो हासिल कर ही रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहां पर खबरें चल रही हैं कि कुछ विधायक जो हैं वो कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस यहां से 1 सीट हासिल करेगी, तो बीजेपी यहां से
तीन सीट हासिल कर सकती है अगर ऐसा कुछ होता है। अगर नहीं होता है तो कांग्रेस को दो और दो बीजेपी को यहाँ से राज्यसभा की सीटें यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसके अलावा हरियाणा के आंकड़े अगर आपको दिखा दें, हरियाणा की जो है 90 सीटें यहाँ से आती हैं और यहाँ की दो सीटें खाली हो रही हैं, और ऐसे में जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, एक सीट यहाँ पर बीजेपी तो एक सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश की अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो आंध्र प्रदेश की चारों सीट जो है वो यहाँ पर YSRCP के लिए यानी 151 सीटें हैं, और यहाँ का जो बहुमत का आंकड़ा निकल कर आ रहा है आंध्र प्रदेश के लिए वो है 35 का, यानी 35 विधायक जिसको सपोर्ट करेंगे उसके आधार पर जो है सारी चारों की चार सीट जो है YSRCP के खाते में जा रही हैं। इसके अलावा तेलंगाना के लिए अगर आंकड़े दिखाएं राज्यसभा चुनाव के लिए तो दो सीट यहां की खाली हो रही है, दो सीटों के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 39, यानी 39 विधायक जिसको सपोर्ट करेंगे उसको यहाँ पर राज्यसभा सीटों का यहाँ पर चुन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जो है TRS है, और TRS के खाते में दोनों सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लिए 5 सीटों का क्या कहता है समीकरण, देखिए पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की 5 सीट सबसे ज्यादा खाली हो रही है, और 5 सीटों की अगर बात हो 4 सीट यहाँ पर TMC तो एक सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आई पश्चिम बंगाल के लिए। तमिलनाडु की 6 सीटों के लिए अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो तमिलनाडु की 6 सीटों के लिए जो यहाँ की वोट वैल्यू है वो है 34, और उसके आधार पर जो है AIDMK जो पार्टी 135 सीटें हासिल कर रही है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 सीट यहाँ पर AIDMK के लिए और DMK के लिए 2 सीट यहाँ पर 88 सीटों के आधार पर जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 7 सीटों के लिए समीकरण जो निकल कर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है, और महाराष्ट्र के लिए जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं 288 सीटों के लिए यहाँ की वोट वैल्यू जो है वो है 36, यानी 36 विधायक जिसको सपोर्ट करेंगे उसका एक राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा। उसके आधार पर अगर आप बीजेपी को देखें तो 3 सीटें बीजेपी अपने दम पर हासिल कर रही है, और शिवसेना 1, NCP 1 और कांग्रेस 1। इसके अलावा एक सीट पर जो है तीनों दलों में से शिवसेना, NCP, कांग्रेस जिसके भी विधायक जिसको सपोर्ट कर देंगे यहाँ पर उसका एक राज्यसभा सदस्य और चुन लिया जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ और बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है तो उसके लिए क्या आंकड़े बनेंगे उसकी भी आपको जानकारी दे देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र के लिए देवेंद्र फडणवीस जो है वो राज्यसभा सदस्य यहाँ पर चुने जा सकती है, ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। उड़ीसा के 3 सीटों के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं, देखिए उड़ीसा की अगर बात करें तो वोट वैल्यू यहाँ की 37 निकल कर आती है, कुल यहाँ पर 140 यहाँ पर सीटें हैं। उसके आधार पर देखिए सबसे बड़ी पार्टी BJD है, 112 है, उसके आधार पर BJD जो है वो 3 सीट यहां पर हासिल कर रही, तो एक सीट यहां पर BJP के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा अगर आंकड़े आपको राजस्थान के दिखा दें तो राजस्थान में भी काफी कुछ यहां पर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में अगर बात करें तो 100 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में है, तो BJP को यहाँ पर 73 सीटें हासिल हुई है। इसके अलावा निर्दलीय जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगी कि वो किसके साथ जाते हैं, 13 सीटें उनके पक्ष में यहाँ पर हैं। और यहाँ के अगर आंकड़े देखा है राजस्थान के लिए तो राजस्थान में जो है वोट वैल्यू यहाँ की 50 निकल कर आती है कि 50 विधायक जिसको सपोर्ट करेंगे उसका सदस्य चुन लिया जाएगा। उसके आधार पर 2 सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है, राजस्थान की कुल 3 सीटें हैं, एक सीट यहाँ पर BJP को यहाँ पर जा सकती है। अगर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है तो फिर 2 सीट यहाँ पर BJP और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। तो ये राज्यसभा सीटों के लिए यहाँ पर कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो UP में सबसे ज्यादा 10 सीटों पर चुनाव होंगे, वो नवंबर में होंगे, और कुछ सीटें यहाँ पर नवंबर तक खाली होंगी। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या BJP जो है आंकड़ा जो है बहुमत का 123 का आंकड़ा है उसको पार कर पाएगी या नहीं, ये बहुत जल्द यहाँ पर आने वाला है। लेकिन अब सियासी समीकरण बिगड़ गए हैं क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया MP में काफी बड़ा कुछ कर गए हैं। इसके बाद आने वाले चुनाव जो कि यहाँ पर बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसके अलावा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, इसके अलावा असम की बात करें गुजरात में चुनाव होंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बड़ा यहाँ पर खेल सिंधिया ने कर दिया है। इसके बाद आने वाले चुनाव में क्या होगा, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस पार्टी की बनने वाली सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।